गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है हर हाउसवाइफ का यही चिंता रहते हैं कि सुबह रात को सोते टाइम यही सोच के सोते हैं कि सुबह होते ही बच्चों को या हस्बैंड को क्या नाश्ता या क्या टिफिन में बना के दे। मतलब ये सोच के पहले से ही रखना पड़ता है। फिर बाद में तो दूसरा काम होता ही है कि बच्चे का अलग अलग होता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मेरे घर में जो बनता है वो हस्बैंड के लिए अलग बच्चों के लिए अलग। तो देखिए सुबह का नाश्ता बना रही थी, पहले सब्जी रोटी, उधर कद्दू की सब्जी बना दिया हस्बैंड के लिए रोटी ले जाने के लिए। फिर बीच में से बच्चे फरमाइश किए कि मम्मी पास्ता रखा है तो पास्ता बना के दो। तो फिर उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो बहुत दिनों से रखे थे, कभी टाइम मिलता है तो बना देती हूँ। और घर में नहीं रहते हैं, कभी कोई बाहर कोई घर में, तो ऐसे करके ये सब चीज़ ठंडा हो जाते हैं तो फिर खाने को मन नहीं होता है। सभी घर में रहे, गर्मा गर्म खाए तो भी अच्छा लगता है। तो जब बोला तो फिर मैंने एक तरफ बनाते बनाते फिर पास्ता भी बना दिया, वो रखे हुए थे तो पास्ता बना दिए और हस्बैंड के लिए रोटी सब्जी ये सब बना के टिफिन बना के तैयार कर दिया। तो सुबह का तो मेरा 8:30 बजे तक यही चलता रहता है कि सुबह नहा धो के जल्दी आओ और किचन में आके पहले टेंशन के क्या खाना बना के दे। तो यही बना के देना पड़ता है, जो भी मिलता है हाथ के सामने फटाफट सब्जी या जो भी रहता है। लेकिन कभी कभी बच्चों की फरमाइश भी सुनना पड़ता है कि ये बना दो वो बना दो। तो सुबह सुबह तो यही बना रही हूँ। अभी ये मसाला मैंने भून लिया और इसमें थोड़ा सा जो दो तरीके का डाल के बना रही हूँ, एक मसाला पास्ता था और ऐसे प्लेन पास्ता था। तो थोड़ा सा ही था तो सबके लिए होगा नहीं बोल के दोनों तरीके से मिला के, और एक पास्ता पैकेट में मसाला पास्ता था तो मसाला मिक्स कर दिया। और टमेटो उस दिन बनाई थी टोमेटो सॉस घर में, तो उसी को ही डाल के ख़त्म करना था। वो रह जाएगा, थोड़ा तीखा भी हुआ था तो मैंने सोचा था इसी में मिक्स करके बना लूँ तो सभी खा लेंगे। तो चलिए, जो भी मेरे वीडियो देख रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। अभी सर्दी तो है ही, तो मेरा कल मैंने कपड़ा धोया था वो सारे कपड़े मैंने बाहर डाल दिए। अभी सुबह का नाश्ता पानी जो भी है सभी अपने अपने जगह पे चले गए, मैंने भी नाश्ता कर लिया। अभी जाऊँगी खाना बनाऊँगी, क्योंकि सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि कैमरा खोल के आप लोगों के सामने आऊँ। तो अभी जाऊँगी खाना बनाने के लिए, मुझे कल कहीं जाना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा कपड़े उपड़े निकालना है, हस्बैंड का बच्चे का, थोड़ा सा सभी मिल के जाएंगे। कहाँ जाएंगे फिर आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए मैं पहले ये सब कर लेती हूँ। और थोड़ा सा कल बाल भी धोई थी, कलर उलर भी की थी लेकिन कलर हुआ नहीं ठीक से, मैं जल्दी जल्दी करके कलर ठीक से हो नहीं पाया। तो अभी खाना बनाऊंगी, खाना क्या बनाती हूँ क्योंकि आज कुछ भी नहीं है ज़्यादा घर में। थोड़ा सा पनीर है तो पनीर के लिए पालक भी नहीं है, ऐसे ही मसाला करके बना दूंगी। मटर भी नहीं है, मटर पनीर क्या बनाऊँ। तो बच्चे पालक पनीर के लिए बोल रहे थे तो पालक भी है लेकिन थोड़ा सा है, सबके लिए होगा नहीं, तो ऐसे ही मसाला डाल के बना दूंगी। तो सुबह का नाश्ता पानी सब हो गया, काम आज ज़्यादा नहीं रखी हूँ, काम थोड़ा सा कम रखी हूँ तो इधर बिस्तर उस्तर साफ है। और ससुर जी को भी नाश्ता दे दिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया। इसी तरीके से थोड़ा काम चल रहा है और डॉगो चिल्ला रहे थे, फिर उसको थोड़ा बाहर घुमा के ले आके उसको खाना पीना दे दिया। अभी थोड़ा सो रहा है बाहर, तो अभी जाऊँगी मैं खाना बनाने के लिए। तो सुबह कद्दू की सब्जी बनाई थी और कद्दू के बीज भी थोड़ा सा है, आप लोग खाते कि नहीं पता नहीं, लेकिन कद्दू के बीज बहुत अच्छा लगता है। कद्दू के बीज खाने में ना बहुत सारा कुछ कुछ मतलब पेट के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो आजकल कोई नहीं खाते। लेकिन आज कद्दू काटा मैंने, घर में एक बड़ा सा कद्दू था तो उसको काटा तो बहुत अच्छा बीज निकला। तो उसको फ्राई करूँगी, रख दूँगी तो ना चूहा लेके भर जाते हैं, फिर खाना नहीं होता है। तो उसको बनाऊंगी और थोड़ा बहुत देखिए, कल मैंने एक हेयर बैंड बनाया ऐसे थोड़ा सा, एक शॉर्ट के लिए हेयर बैंड बनाया था, अच्छा लग रहा है कि नहीं बताना, फिर मैं थोड़ा सा लगा के रखती हूँ।
ये थोड़ा सा हेयर बेल्ट पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा दिया हुआ करके बना दिया। ये देखिए अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए अच्छा लगेगा ना। ये तो ये भाई ने बनाया था कल बैठ के, अगर शॉर्ट में दिया है, अगर इसका फुल वीडियो चाहिए तो मैं चैनल पे दे दूँगी। तो चलिए काम तो है, छोटा छोटा काम आता है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। ये थोड़ा शाम को बैठी थी बोल के मैं थोड़ा सा बना दी थी, फिर कल सुबह जाना है तो थोड़ा सा ससुर जी के लिए भी खाना बना के रख के जाना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे तक निकल जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं होगा कि खाना बना के जाऊँ। थोड़ा सा चावल बना दूँगी और थोड़ा सा सब्जी रात को ही बना के रख दूँगी तो ससुर जी खा लेंगे। ससुर जी जाएंगे नहीं, उनको आजकल उम्र हो गया ना तो ज़्यादा देर तक कहीं बैठे रहना लोग हवा बुरा जगह पर उनको इतना पसंद नहीं होता है, और हम लोग भी उनको तंग करना नहीं चाहते क्योंकि घर में रहेंगे तो थोड़ा आराम से रहेंगे, बाहर ले जाना फिर कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो देखिए कैसे आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं वॉइस दे के बात करती हूँ, पूरा बात नहीं कर पाती, बहुत आवाज़ आते हैं बाहर से। चलिए मैं क्या खाना बनाती हूँ दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पनीर रखा है, इसको इसका कुछ बनाती हूँ और क्या बोलते हैं, और थोड़ा सा था उस दिन इसमें पिज्ज़ा बनाए थे तो पिज्ज़ा में डाल दिए थे। और ये देखिए काटे थे, ये कद्दू रखा है तो इसी का बीज निकला था तो इसको बीज को फ्राई करूँगी, इसको पहले सूखे तवे पे फ्राई कर लूँगी फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बीज भी बहुत सुंदर है ना, एकदम मोटे मोटे दाने। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, इसके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। और क्या बनाती हूँ, अभी सुबह मैक्रोनी बनाया था वो तो बताया मैंने, और कद्दू की सब्जी बनाया था वो ख़त्म हो गए। फिर मैं खाना बना लेती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी, थोड़ा बहुत काम है उसको निपटा के, अलमारी से कुछ कपड़ा भी निकालना है, सारा तैयारी करके रखना है क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा, नेल पॉलिश वगैरह कुछ पहने नहीं, उसको भी पहनना है। तो देखिए मुँह कैसे सूखा सूखा लग रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, शरीर में कुछ कमी हो रहा है कि नहीं, मुँह बिल्कुल सूखा सूखा हो गए, तबीयत भी जैसे लग रहा है कोई देख के बोलेंगे मैं कितने दिन की बीमार हूँ। तो अभी थोड़ा बर्तन धो दिया था और थोड़ा बर्तन पड़ा है, चलिए मैं थोड़ा मसाले की तैयारी कर लेती हूँ, फिर चावल बिठा देती हूँ, फिर जो करती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। अभी नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा साग साफ कर दिया था, पालक पनीर बनाना था लेकिन इतने से इतना सा ही पालक है तो होगा नहीं एक गुच्छा तक, और ये पिड़िंग साग बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, कोई कोई मेथी भी बोलते हैं लेकिन ये मेथी नहीं है, तो ये साग दोनों साग मिला के बना दूँगी तो हो जाएगा, नहीं तो एक बनाऊँगी तो एक का होगा एक का नहीं होगा। तो ये तीनों आइटम तो हो गए, अभी पता नहीं क्या है, अभी रात को कुछ और बनेगा। मैं सोच रही थी थोड़ा सा पालक है लेकिन ये तो गार्डन से मुझे इतना पालक मिल गया, मुझे याद ही नहीं था कि गार्डन में पालक है बोल के, अभी तो अच्छे से पालक पनीर बन जाएगा।
देखिए अगर मन में इच्छा है कि खाने की इच्छा है तो कहीं ना कहीं से भगवान मिला ही देते हैं। देखिए गार्डन से मैं इतना सारा पालक उठा के लाई और थोड़ा सा घर में है उसी से बना देती हूँ पालक पनीर। तो चलिए मैं इसको धो लेती हूँ अच्छे से धो के फिर बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यही सब काम करते करते साग उठाते धोते टाइम हो गया था, फिर मैंने जल्दी जल्दी करके साग बॉयल कर लिया। साग बॉयल करके फिर इधर कढ़ाई में पनीर उनीर डाल के फिर इसको फटाफट फ्राई करके फिर मसाला डाल के फिर जल्दी जल्दी करके मैंने पालक पनीर बना दिया। और पालक पनीर तो बन ही रहा था, साथ में घर में कल मेरे ननंद ने छोटे छोटे मछली भेजे थे तो उस मछली का भी बनाना है, फिर रख दूँगी तो ख़राब हो जाएगा। तो मछली की सब्जी भी बनाना है और थोड़ा सा वो साग दिखाए थे मेथी साग जैसे उसको भी बनाना है, क्योंकि साग बहुत दिन हो जाते फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। और दोपहर को थोड़ा बना के रख देती तो फिर शाम को आके हस्बैंड आते हैं तो वो भी खाते हैं तो थोड़ा सा बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर रात को ससुर जी के लिए रोटी फिर इनके लिए चावल फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो मैं दोपहर को ही थोड़ा ज़्यादा करके सब्जी बना के रख देती हूँ। इधर तो पालक पनीर मेरा बन गया। ये मैं बता रही थी ननंद के घर से छोटे छोटे मछली लाए हैं तो उसको प्याज ऐसे लहसुन डाल के और सरसों पीस के ऐसे सूखा सूखा सब्जी बना ली। और थोड़ा साग भी बाकी था ना साग बनाने के लिए, तो फिर मैं ये साग पिटा के जाऊंगी, थोड़ा सा बैठूंगी बैठ के दूसरा काम भी रहते हैं तो इसके साथ साथ थोड़ा सा बर्तन भी है, बर्तन भी साफ़ करना है, पूरा किचन उचन भी साफ़ करना है। तो ये साग में बिठा के ऐसा कोई सब्जी होता है ना जो गैस के ऊपर रख के आप थोड़ा काम करने के लिए हट के जा सकते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने साग बाद में बिठा दिया। बिठाने के बाद थोड़ा सा आस पास जितना बर्तन उतन था एक्स्ट्रा बर्तन था सारे साफ़ कर दिए। साफ़ करके फिर मैं बैठी थोड़ा सा, फिर गन्ना लेके बैठी थोड़ा गन्ना खाई। फिर ये साग भुनने के बाद उधर से आके फिर ससुर जी को खाना दिया। ससुर जी को खाना दे के फिर हम लोग थोड़ा खाते खाते लेट हो गए थे, फिर इतना सारा कपड़े भी धोए थे, सारे कपड़े बाहर से ले आके फोल्ड कर रही थी कि वो फोल्ड करते क्योंकि बच्चे नहीं आए थे, एक जन कॉलेज गए थे एक जन दुकान में थे तो वो लोग आएंगे तभी तो खाना खाएंगे। तो ऐसे करके मैंने सारा घर का काम काज कम्प्लीट किया, क्योंकि ये थोड़ा हाथों हाथ काम कर लेती हूँ तो फिर टाइम भी बच जाते हैं, फिर मेरे लिए फुर्सत हो जाते है। कितने सारे कपड़े थे उसको फोल्ड करूँगी, तो फोल्ड कर रही थी तब बच्चे आए तो बोले मम्मी खाना दे दो, तो फिर बच्चों के लिए खाना देने चली गई। तो चलिए मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताना ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल जाना है तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करना है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो के साथ, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कभी कभी ऐसे थोड़ा बाहर जाना पड़ता है ना तो अच्छा लगता है, तो मन थोड़ा फ्री हो जाता है कि कहीं जाना है, तो नहीं तो बाहर से इतने दिन बाहर थे अभी घर में आके ऐसे लगता है अलमारी में सब कपड़े सड़ रहे, तो इसी बहाने में थोड़ा कपड़े भी निकल जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाते हैं या फिर तैयार होके जाना कौन सी लेडीज को नहीं पसंद है। तो इसी तरीके से अपना काम ख़त्म करती हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।